मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि जनता के लिए मैं सदा उपलब्ध रहूंगा। घटकेसर टाउन में ब्रांड बुक बाद विद्यालय में मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल तथा मल्ला रेड्डी ट्रस्ट के तत्वावधान में निशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि मेडिकल विधानसभा क्षेत्र की जनता सदैव स्वस्थ रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर एक ग्राम में मल्ला रेड्डी स्वास्थ्य शिविर एवं विशेषताएं आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि इन कैंपों में आने वाले सभी लोगों को दवाइयां मुफ्त प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वृहद स्वास्थ्य शिविर का सभी लोग सदुपयोग कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर गरीब जनता को मुफ्त उपचार एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय म्युनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षदों सहित को ऑप्शन सदस्य, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। जनजातीय आरक्षण को 6 से 12% तक बढ़ाने की मांग करते हुए जनजाति विद्यार्थी संघ के तत्वावधान में प्रगति भवन का घेराव किया गया। विद्यार्थी संघ ने यह भी मांग की है कि रोजगार अधिसूचना में किसी प्रकार की देरी किए बिना उसकी घोषणा की जाए। जनजातीय विद्यार्थी संघ तेलंगाना राज्य विभाग के अध्यक्ष वेंकट बंजारा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनजातीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के मामले में किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, इस तरह के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आरक्षण को भी 6 से 12% तक बढ़ाने की मांग की। आज प्रगति भवन के घेराव पर प्रयास किए आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी को गोशामहल पुलिस थाना भेज दिया। जवाहर नगर पुलिस थाना परिधि के जमी गड्ढा क्षेत्र में निर्मित अवैध निर्माणों पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ध्यान केंद्रित किया। पहले ही यहां पर कई निर्माणों को ढहाए जाने से स्थानीय लोगों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा था, जिस कारण राजस्व विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ अवैध निर्माणों को ढहाने का काम आरंभ किया है। तेलंगाना राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के तकलीफ चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस माह की 1 तारीख को 274 मिलियन यूनिट बिजली का उपभोग हो रहा था, वहीं गत कुछ दिनों से यह क्रमिक रूप से घटता जा रहा है, जो इस समय 205 मिलियन यूनिट पर पहुंच गया है। इससे एनर्जी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में बिजली की खरीदी कम करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। यासंगी की फसलें अब कटाई की स्थिति में पहुंच रही है। यत्ती पोतला योजना के पंपिंग कार्य रुक जाने से भी विद्युत उपभोग घटने का यह भी एक कारण है, कहकर अधिकारियों ने बताया इस सीजन में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च का IEX से लेकर तेलंगाना विद्युत संस्था बिजली की खरीदी की है। अब इस समय बिजली की खपत इस माह की 24 तारीख को 219 मिलियन यूनिट रही, तो वहीं 25 अप्रैल को 218 मिलियन यूनिट, 26 तारीख को 214 मिलियन यूनिट, 27 तारीख को 212 मिलियन यूनिट तथा 28 अप्रैल को 205 मिलियन यूनिट पर पहुंच गई है। वाहनों पर लंबित पड़े चालानों का रियायती दामों पर भुगतान करने की अवधि समाप्त होने के बाद भी 30% वाहनों पर अभी वाहन चालान लंबित पड़े हुए हैं। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि यदि पेंडिंग चालानों का भुगतान किए बिना सड़कों पर वाहन चलाए गए तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहनों पर लगे चालानों का भुगतान करने के लिए लगभग 1.5 माह का समय दिया गया। इस अवधि के दौरान 3 करोड़ से अधिक लंबित चालानों का निपटारा किया गया, जिसमें 65% कार मालिकों ने, 17% से अधिक दुपहिया वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर लंबित पड़े चालानों का भुगतान किया। वास्तव में 1700 करोड़ रुपये के मूल्य लंबित चालान थे, जिसमें से 1004 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। सरकारी रियायतों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अब 13% वाहन चालक अपने वाहनों पर बड़े लंबित चालानों का भुगतान करने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। इन वाहनों पर ध्यान केंद्रित किए ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ऐसे पकड़े जाने वाले वाहनों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अवधि समाप्त होने के बाद भी चालानों का भुगतान किए बिना अपने वाहन लेकर घूम रहे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी यातायात पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने यह जानकारी दी। GHMC द्वारा घोषित अर्ली बर्ड योजना बड़े पैमाने पर सफल हुई है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए अनुमान से अधिक 1 माह की अवधि में रिकॉर्ड स्तर पर संपत्ति कर की वसूली हुई है। वर्ष 2022 से 2023 वित्त वर्ष के लिए संबंधित संपत्ति कर को अग्रिम रूप से भुगतान करने पर 5% की छूट देते हुए 30 अप्रैल तक की अवधि प्रदान की गई थी। शुक्रवार की रात 7 बजे तक GHMC के इतिहास में जो कभी नहीं देखा गया, इस प्रकार 6017 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, कहकर बल्दिया राजस्व विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी। बलिया में कुल 18 लाख लोग संपत्ति कर का भुगतान करने वाले हैं, जिसमें से 6,57,000 लोगों ने अग्रिम रूप से अपने संपत्ति कर का भुगतान किया। आज अर्ली बर्ड योजना का अंतिम दिन है, जिस पर GHMC के अधिकारियों को अनुमान है कि 50 से 60 करोड़ संपत्ति कर की वसूली होंगी। गत वर्ष अली बर्ड द्वारा 541 करोड़ रुपयों के करों की वसूली हुई थी, इस समय 76 करोड़ रुपए अधिक की वसूली हुई है। GHMC को अनुमान है कि कुल 650 से 675 करोड़ रुपए तक का संपत्ति कर वसूल हो सकता है। ज्ञातव्य है कि GHMC ने इस योजना के तहत 6 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था। यह लक्ष्य पार कर लेने से अधिकारियों ने अब इसे बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। आज अंतिम दिन होने से कर वसूली करने वाले अधिकारियों ने इस ओर अपना विशेष ध्यान लगाए रखा है, जिससे कि करदाता स्वयं आकर अपने संपत्ति कर का भुगतान करे। बल्दिया ने अधिकारियों से बताया कि इसके अलावा अन्य लंबित बिलों के भुगतान पर भी GHMC विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है, उसकी भी शीघ्र वसूली की जाएगी। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के जगतगिरी गुट्टा संजय पुरी ने कल देर रात एक बाइक चोरी हो गई। इस चोरी की घटना से संबंधित प्रमाण CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। संजय पुरी निवासी गंगाधर का पुत्र अपनी बाइक प्रतिदिन की भांति अपने घर के समक्ष पार्क किया। लगभग देर रात 2 बजे के समय एक वाहन पर आए दो चोरों ने घर के सामने पार्क कर रखी TS-13ED-9947 बाइक की चोरी कर ली। इस चोरी की घटना से संबंधित वीडियो CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। यह ऐसा हो तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी, इस बीच चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। इसी कॉलोनी में इसके पूर्व भी कई चोरियाँ हुई है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यदि पुलिस द्वारा सख्त निगाह रखी होती तो ऐसी घटनाओं को चोर अंजाम नहीं दिए होते। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। सत्ताधारी पार्टी के सहयोग से एक पूर्व पार्षद के पुत्र ने काफी उत्पात मचाया। उसने हॉस्टल के समक्ष बाइक पार्किंग की गई कहकर काफी शोर मचाया। यह घटना गड्डी अन्नारम में घटी। यहाँ के पूर्व पार्षद सामा प्रभाकर रेड्डी का पुत्र नवनीत रेड्डी अपने साहसिक कर्तव्य दिखाकर काफी उत्पात मचाया। उसने हॉस्टल के समक्ष बाइक पार्क की है कहकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
हॉस्टल के संचालक सुशील गौड़ तथा अनूपगढ़ अनुजगढ़ पर हमला कर दिया, जिससे पीड़ितों ने मलकपेट पुलिस थाने जाकर इस हमले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस से बताया कि हमला करने वाला व्यक्ति राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव का सहचर है, जिस कारण उसने यह उत्पात मचाया है। తిట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళన్న తర్వాత మనం రియాక్ట్ అయ్యకుండా ఉన్నాం కదా, మనం కూడా ఎందుకంటున్నాం ఏంది అని మనం రియాక్ట్ అయినాం. ఆ రియాక్ట్ అయిన తర్వాతనే పోయిండు, పోయి ఒక 10 మందిని 15 మందిని జమ చేసుకొని వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత చేయలేవాటి కొట్టడం స్టార్ట్ చేసాడు. చాలాసేపటి నుంచి ఆ పనికి ట్రై చేసాము, ఆగలేదు. చాలా మా దగ్గర కెమెరా ప్రూఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి, వీడియో ప్రూఫ్ కూడా ఉంది, అది నేను ఇస్తాను, మీడియాకు కూడా ఇస్తాను. చాలా అంటే ఎట్లా అంటే మాకు చూడండి, షర్ట్ బటన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినవి. అట్లా ఇక ఏం చెప్తాం, చిల్లర్గా బిహేవ్ చేయడం, ఒక కామన్ సెన్స్ లేదు. అరే బండి ఎవరిదైతే ఏమో పక్కకి జరుపుకొని పోవాలి, కానీ గల్లీ మాదేమో గుడ కట్టించుకుంటాం, అరే చేసుకోవ ఈ గల్లీ నీదైతే మాకు సంబంధం ఏంది, ఎవరిదైనా కానీ గల్లీ. ఆ బైక్ ఎవడో పెట్టిండు పోనీ, ఆ బైక్ పక్కకి జరుపుకొని పోతే అయిపోతుంది. ఆ బైక్ను వాడేయడము, రౌడీల్లాగా బిహేవ్ చేయడము అది పద్ధతి కాదు. అది आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के द्वारा युवा पीढ़ी गलत राह पर चल रही है। न्यायालय ने कहा कि समाज में घातक दिखावा बढ़ता जा रहा है। इस टिप्पणी पर भारतीय कम्युनिटी पार्टी के नेता नारायण ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वे कई बार ऐसे शो के प्रदर्शन को रोकने की मांग करते हुए हैदराबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हैदराबाद పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇస్తామని పట్టించుకోలేదు, కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది. అలాంటి నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు రిటర్న్స్ స్వీకరించి బిగ్ బాస్ పైన తీవ్రమైనటువంటి కామెంట్ చేసింది. అది సహేతం కామెంట్. కోర్టు ఆర్డర్ స్పందించడం బిగ్ బాస్ పైన తీవ్రంగా చర్చ జరగాలి, విచారణ జరగాలి, దాన్ని బ్యాన్ చేయబడి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరోసారి హైకోర్టు भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राज्य शाखा के अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर की बातों पर आज तेलंगाना राज्य की जनता विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। अपनी जन सामग्र पद यात्रा के अंतर्गत बंडी संजय ने सिंगारम ग्राम में किसानों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के किसानों का मोटा चावल ना उगाने की बात कहने वाले के चंद्रशेखर राव अपने फार्म हाउस में 100 एकड़ भू क्षेत्र में बारीक चावल की फसल बोई है, तय कर किसानों ने जानकारी दी। बंडी संजय ने आरोप लगाया कि केसीआर किसानों को उनकी राह से भटका कर उन्हें पद भ्रष्ट करने की सोच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिला रायचोटी ग्राम निवासी सरकार के मुख्य सचेतक गड़ी कोटा श्रीकांत रेड्डी ने आरोप लगाया कि गुंटूर जिले में एक महिला की मौत से संबंधित घटना पर तेलुगुदेशम पार्टी के नेता असत्य प्रचार कर रहे हैं। आज यहां आयोजित मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रचार पर अपनी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि निराधार एवं गलत प्रचार करने से विधानसभा में विपक्षी दल का जो दर्जा है वह समाप्त हो जाएगा और इससे आपकी पार्टी की प्रतिष्ठा नीचे गिरेगी। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी के नेताओं को सुझाव दिया कि आप लोग राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का स्वागत करने की आदत डाल ले। 35 సంవత్సరాల వివాహతి హత్యకు గురవడం చాలా బాధాకరం. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాల ప్రకారం హత్య చేసిన వాళ్ళు ద్రోహుడి కింద లెక్క వాళ్ళని ఖచ్చితంగా శిక్షింపబడేలా చేయాలి. అది ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఏటువంటి సంఘటనలు జరిగినా కూడా వెంటనే స్పందించి గంటల వ్యవధిలోనే చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళకు కోర్టుకు కూడా అప్పచెప్పేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దురదృష్టకరం ఏంటంటే ప్రతిపక్షానికి ఎప్పుడు వార్త ఉండాలి, వార్త ఏ రూపంలో ఉండాలి అని అంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎలాగ తగ్గించేయాలి, ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా అస్థిరపరచాలి అన్నటువంటి కుట్రలో భాగమే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తుంటారు. నిన్న జరిగిన సంఘటన తర్వాత
ఆ మహిళ పైన చేసినట్లు అగాంతకులు ఎవరైతే తన పైన దాడి చేసి హత్య చేయబడ్డారో వాళ్ళని 2 గంటల్లో పట్టుకోవడమే కాకుండా అక్కడ ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఏ రకమైన జరిగింది అన్నటువంటిది పూర్తిగా ఎస్పీ గారు వివరించిన తర్వాత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి లోకేష్ గారు వందలాది వాహనాలలో వెళ్ళటం అక్కడ దాడికి ప్రేరేపించడం ఇతను సవాళ్లు చేసి ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నారు అని అంటే నేను ఏమనుకోవాలి। एक जनजातीय परिवार ने बताया कि न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने हेतु हैदराबाद गए तो हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कहकर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि हमारे पुत्र की मौत का कारण बने लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पीड़ित जनजातीय परिवार में बताया कि गत वर्ष उनके पुत्र शिवराम की हैदराबाद में हत्या कर दी गई थी, जिसकी पुलिस में शिकायत करने पर उनकी शिकायत का कोई महत्व नहीं दिया गया, जिससे शिवराम के माता पिता ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या उन्हें सुनाने के लिए यहां हैदराबाद आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कहते हुए वहां बिलक बिलक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र की मौत का कारण बने लोगों को सजा मिलनी चाहिए, यहां ऐसा हो तो गिरफ्तार किए गए पीड़ित परिवार को पुलिस ने पंजागुट्टा पुलिस थाने भेज दिया। మీరు సరిగ్గా వదిలి పెడతారు, మాసం పట్టుకుని లోపడేస్తారు, వేరే ఆఫీసర్ దగ్గర ఎక్కడని అని మీరు మీరే మాకు న్యాయం చేయరు, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్? ఏమైనా రాజకీయం కావాలనుకుంటానికి వచ్చినామా? ఎవరు మీ మీద మాకేమైనా పగనా సార్? మాకు న్యాయం కావాలని మీ కాడికి వచ్చినాం మేము। ప్రతి ఇప్పుడు 8 నెలలైంది సార్, మా కొడుకు చనిపోయింది, ఒక బాధ తిరిగని ఆఫీస్ లేదు, ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టించినా సార్, పోలీసు వాళ్ళు మా నేరస్తులకు బయట పెట్టి మాకు తిప్పుతున్నారు సార్, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్? మాకు న్యాయం కావాలని కోరుతున్నాం సార్, ప్రతి ఆఫీస్ దగ్గర తిరుగుతున్నాం సార్, మాకు న్యాయం కావాలని మీకు దయచేసి మొక్కుంట చెప్తున్నాం సార్। 18 ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు మా బాబు, అప్పుడు పరిస్థితి కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఇంక్వైరీ చేసి కొన్ని ప్రూఫ్లు తీసుకొచ్చి సార్ నాకు న్యాయం చేయడానికి ఎస్ఐ కాళ్ళు మొక్కితే ఎస్ఐ నా కాళ్ళతో తన్నాడు సార్, ఇది ఎంతవరకు సిద్ధాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సార్? నాగర్ కర్నూలు చేసి दिन प्रतिदिन झूठ और गर्मी बढ़ती ही जा रही है, जिससे छोटे ठेला व्यापारियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यह लोग दिन भर धूप में रहकर, चिलचिलाती धूप में रहकर अपना व्यापार कर नहीं कर सक रहे हैं, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके घर परिवार चलाने के लिए अनिवार्य परिस्थितियां होने से भी वह अपना व्यापार कर रहे हैं। साधारणतः 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धों, किसानों, बच्चों, खिलाड़ियों, गर्भवती महिलाओं, जच्चाओं पर गर्मी का प्रभाव अधिक होता है। इस समय पीक समर के चलते लू, भारी हवाएं भी चलने से धूप में काम करने वाले कर्मियों, मजदूरों, कूलियों को भी सतर्क बरतने की विशेष सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि मतदान के समय या सभी लोग घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा कि अनिवार्य परिस्थितियों में बाहर निकलना पड़े तो अपने साथ छाता लेकर निकलना चाहिए, साथ ही शीतल पेय का थोड़ी थोड़ी देर में इस्तेमाल करना चाहिए और अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने से शरीर में तापमान स्थिर रहता है और डिहाइड्रेशन से निजात मिलती है।